हेलो ग्लोरियस फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। अच्छा, आज के वीडियो में हम लोग एक प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं। मैंने फ्यू प्रोडक्ट्स एमके कॉस्मेटिक्स से मंगवाई थी, जिनमें क्लेंजर था, नाइट रिपेयरिंग सीरम था, शुगर कैट मास्क था और हाँ, बस ये चार चीज़ें थी, ठीक है। सो और एक मास्क था, फेस मास्क था, एक हेयर मास्क था, एक फेस मास्क था, एक क्लेंजर था और एक नाइट रिपेयरिंग सीरम था, जिसमें से मैंने सिर्फ एक शुगर कैट मास्क का, हेयर मास्क का रिव्यू किया है। इफ़ यू हैवंट चेक दैट वीडियो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू शुड चेक दैट ओवर देयर। तो ठीक है, अच्छा अब मैं आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ, दैट इज़ द फेस मास्क। मोस्टली हम लोगों को आजकल गर्मियाँ आ गई हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे होते हैं कि हमारी स्किन जो है बर्न हो रही होती है, और हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमारे जो सन रेजेज होती हैं वो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। मैं आपको तकरीबन हर स्किन केयर की वीडियो में ये बताती हूँ कि इफ़ यू गोइंग आउट, अगर आप घर में भी रह रहे हो तो भी यू मस्ट अप्लाई सनस्क्रीन ऑन योर स्किन टू प्रोटेक्ट यूवी सन रेजेज जो आपकी स्किन को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करते हैं। और अगर आप बाहर जा रहे हो तो इट इज़ योर मस्ट हैव यूएसपी 50 वाला तक जो मिनिमम होता है वो आपको लगाना चाहिए अपने स्किन पर। मैं जो आजकल यूज़ कर रही हूँ, वेंसे का यूज़ कर रही हूँ, वो यूएसपी 75 है, ठीक है। सो अब चलते हैं रिव्यू की तरफ। मैं पहले आपको उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग दिखा देती हूँ और उसको दिखाती हूँ कि वो किस तरीके का दिखता है। वैसे आपने जो स्टार्ट की वीडियो थी, चल रही थी, उसमें आपने उसकी पैकिंग देख ली होगी, लेकिन मैं अभी आपको अभी दिखा देती हूँ लाइव, ठीक है जी। सो दिस इज़ द पैकिंग, ये पैकिंग है मास्क की, ये क्ले मास्क है विटामिन सी के साथ, ठीक है। और विटामिन सी इज़ योर स्किन बेस्ट फ्रेंड। विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। सब तरफ से आप इसकी पैकिंग देख लो और इसमें एप्लीकेशन का मेथड भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो आज की वीडियो के बाद कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ये इसकी नीचे से पैकिंग है, सब तरफ से देखो, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से ओपन होता है, ठीक है, और ये एक बॉटल निकलती है अंदर से, ठीक है। अच्छा, ये बॉटल है, जार है, बॉटल तो नहीं है, जार है, ठीक है जी, ये जार है। ये यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ ये मैंने क्योंकि यूज़ किया था, रिव्यूज़ ये ऑनेस्ट रिव्यूज़ थे, क्योंकि ये पेड कोई कंटेंट नहीं है तो ये ऑनेस्ट रिव्यूज़ थे, तो ये मैंने इसको यूज़ किया हुआ। ये पूरा सील्ड होता है, यहाँ से आपने स्टार्ट की वीडियो में देख लिया होगा। और बाय द वे, कोई मुझे फिर कॉमेंट में बोले कि वो अभी कैसे खोल लिया और स्टार्ट की वीडियो, वो स्टार्ट की वीडियो मैंने तब शूट की थी जब ये पार्सल मैंने रिसीव किए थे, ठीक है। ये मैंने 3 से 4 बार यूज़ किया और अब इसके ऑनेस्ट रिव्यूज़ आपको दे रही हूँ। अच्छा, ये देखो, ये इस तरीके से ना पाउडरी फॉर्म में है मास्क, ठीक है। इसको आप एलोवेरा जेल के साथ भी मिक्सअप कर सकते हो, अगर आपके फेस पर एलोवेरा जेल सूट करता है तो। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज मेरे फेस पर अगर मैं डायरेक्टली फ्रेश एलोवेरा या एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ ना डायरेक्टली विदाउट एनी कॉम्बिनेशन, तो मेरी स्किन पे एक्ने हो जाती है। तो अगर आपकी इस तरीके की स्किन है कि आपको एलोवेरा डायरेक्टली सूट नहीं करता, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। रोज़ वाटर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। रोज़ वाटर से कुछ भी नहीं होता आपकी स्किन पर, वो मतलब आपकी स्किन के जो टेक्स्चर होता है उसको नरिश करता है और उसको जो फीचर्स होते हैं उनको, मतलब फीचर नहीं, जो डर्ट और पॉल्यूशन होता है उसको रिमूव करता है आपकी स्किन से। सो ये मैं मास्क, ये अच्छा, ये आप अपनी नेक पर भी लगा सकते हो, फेस पर भी लगाना। और हम लोग मोस्टली ऐसे करते हैं, मैं मोस्टली लोगों को देखती हूँ जो स्किन केयर कर रहा होता है वो सिर्फ फेस के ऊपर ही सारी क्रीम्स अप्लाई करते हैं। फेस नहीं, नेक भी आपकी, फेस का ही पार्ट है, नेक भी आपकी, मतलब आप जो भी शर्ट वगैरह पहनते हो वो इतनी तो आपकी नेक दिखती है ना, तो मतलब इतनी जितना आपका फेस इफेक्ट कर रहा होता है उतनी आपकी नेक भी इफेक्ट कर रही होती है। तो यू शुड अप्लाई ईच एंड एवरी सनस्क्रीन, वो सनस्क्रीन कह रही हूँ, स्किन केयर ऑन योर नेक ऑल्सो, ताकि फेस और नेक अलग अलग ना लगे, ठीक है। अच्छा, ये मैं अपने फेस और नेक के हिसाब से सिर्फ सिंपल जो रोज़ वाटर होता है उसमें डिजॉल्व कर आती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर कैसा होना चाहिए, और अपना फेस वॉश करके आती हूँ। क्योंकि जब भी कभी हम कोई मास्क अप्लाई करते हैं या कुछ भी स्किन केयर अप्लाई करते हैं, हमारे फेस पर किसी भी किस्म का कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो मैं मेकअप रिमूव करके आती हूँ और उसके बाद फिर आपको इसकी एप्लीकेशन बताती हूँ, कितनी देर लगाना है, किस तरीके से लगाना है, सब बताती हूँ। सो स्टे विद मी।
डॉक्टर जी एक बोल लिया, एक ब्रश है, ये स्पून है और ये ब्रश है और ये हमारा मास्क है, अब हम इसे बनाते हैं। ये मैंने मेजरिंग के मदद से, मेजरिंग स्पून की मदद से थोड़ा जितना मैं नेक और फेस पर लगा सकती हूँ वो मैंने निकाला, अपने जार में ऐड किया, ये देखो ठीक है। ये ना लकड़ी का स्पून है तो वुडन स्पून में चिपकते हैं ये मास्क, और ये मास्क भी बिल्कुल चौक की तरह है, सो ये चिपक रहा था काफ़ी इस स्पून में। मैंने इसको निकाला और बोल में डाल दिया। अब मैंने इसको मिक्सअप करना है, ये देखो मैंने इतना लिया है, इतना मज़ीद लेना है ठीक है। और ये देखो ये टोटल इसकी मतलब क्वांटिटी है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने नेक पे और अपने फेस पर ठीक है। अब मैंने ये रोज़ वाटर, मेरे पास रोज़ वाटर की यही बड़ी बॉटल होती है बिकॉज़ मैं रोज़ वाटर यूज़ बहुत करती हूँ। रोज़ वाटर मैंने निकाला ठीक है एक इसके कैप में, मेरे पास छोटी बॉटल भी थी बट पता नहीं इस वक्त मुझे मिल नहीं रही थी। अच्छा ये मैंने रोज़ वाटर इसमें ऐड किया। आप एलोवेरा जेल के साथ भी इसको लगा सकते हो लेकिन वो मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, मैं खुद भी नहीं लगाती क्योंकि एलोवेरा जेल मैं डायरेक्टली अप्लाई कर लूँ तो मेरे फेस पर एक्ने हो जाती है। अच्छा मुझे मास्क थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ी क्वान्टिटी और ऐड किया। अच्छा जी मैंने बाल पूरे बांध लिए हैं ऊपर से ठीक है, और फेस वॉश कर लिया है तो मेरे फेस पर इस वक्त कोई मेकअप शेकअप नहीं लगा हुआ। देखो इसका टेक्सचर ना इस टाइप का होना चाहिए सही है। अच्छा अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, ये देखो ये इतनी ऐसी कंसिस्टेंसी है इसकी, बाल भी चेक, ये देखो इसको अच्छी तरीके से अपनी नेक पर और अपने फेस पर लगाना है बिकॉज नेक इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर फेस सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट। ये देखो मुझे बड़ा मसला हो रहा है, मैं वैसे मिरर में देख के लगाने की आदी हूँ, मुझे इस वक्त कैमरा के सामने लगाना पड़ रहा है एंड आई ऑल्सो हैव एक्नी ऑन माई स्किन। ओ ये थोड़ा पतला हो गया, आईब्रोज पे चला गया। अच्छा जी इसको 15 टू 20 मिनट्स लगाना है, ये मैंने पूरे फेस पर और नेक पर अपनी अप्लाई कर लिया है और ये थोड़ा सा बच भी गया है। मैंने वैसे उस हिसाब से किया था, आप इसको हाथों पे भी लगा सकते हो या फिर को थोड़ा सेफ करके भी रख सकते हो, मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप सेफ करके रखो। अच्छा ये थोड़ा सा सूख जाए मेरा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल कड़क पापड़ जैसा मुँह हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको वॉश करके आपके सामने रिजल्ट के साथ आती हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपको वॉश कब करना है, सो स्टे विद मी। ये रहे जी रिजल्ट्स, मैंने बस फेस वॉश किया है सिंपल टैप वाटर से और लुक्स द रिजल्ट्स, यू जस्ट लव इट। सो गाइज आई होप आपने आज की वीडियो इन्जॉय की होगी और जो रिव्यू मैंने आप लोगों के सामने किया है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इट्स अ वर्थ बाइंग, आप बिफोर के भी रिजल्ट देख चुके हो मैंने बताया और आफ्टर के भी रिजल्ट देख चुके हो, सो इट्स अ वर्थ बाइंग। और कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आपको फ़ौरन से रिजल्ट नहीं देता, यू हैव टू अप्लाई 4 to 5 times ठीक है, और इसको रैपिडली अप्लाई करो ताकि उसके एक्चुअल, और
हर चीज़ को अप्लाई करने का एक मेथड होता है. मींस कि अगर आप कोई एसिड्स, जैसे ऑर्डिनरी के बहुत सारे एसिड्स हैं, मुझे एक बंदी उस दिन मैसेज करके कहती है कि ये ऑर्डिनरी के एसिड्स बकवास हैं. बकवास नहीं है, देखो हर चीज़ को अप्लाई करने का एक मेथड होता है. हमें उसके डू एंड डोंट्स को फॉलो करते हुए उन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए ताकि वो हमारे लिए, देखो हर चीज़ का मेरिट भी है डीमेरिट भी है, उसके फुली मेरिट यूटिलाइज करने के लिए हमें उसको उसी तरीके से यूज़ करना आना चाहिए. ठीक है, सो आप यूज़ करो उन चीज़ों को जो भी आप लोगों के लिए, जो आप स्किन केयर करते हो, लेकिन उनको बिल्कुल उनके सही मेथड के साथ यूज़ करो ताकि वो आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहें. ठीक है, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सकें. अच्छा, मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.